हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर रेडमी नोट 9 प्रो के बारे में दोस्तों, यहाँ पर एम आई वाले मोबाइल के बारे में दोस्तों, जिसमें यहाँ पर 13 वाला वर्जन यहाँ पर आ चुका है, एम आई यू आई वर्जन यहाँ पर 13.0.2 वर्जन यहाँ पर आ चुका है दोस्तों, जो कि यहाँ पर आपने यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन अपडेट किया होगा दोस्तों, जिसमें आपको हिडन ऐप का यहाँ पर मतलब ये नहीं मिल रहा दोस्तों, तो आपको उसे इनेबल करने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखते रहना है। मतलब कि दोस्तों आप यहाँ पर हाइड का ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिल रहा दोस्तों आपको बहुत से यहाँ पर अपडेट में और ना ही यहाँ पर सर्च करने में आ रहा है दोस्तों, तो आपको उसे यहाँ पर इनेबल करने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखते रहना है। और आपने वीडियो को मतलब यहाँ पर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। दोस्तों यहाँ पर मैं आ चुका हूँ मोबाइल के स्क्रीन पर और आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपने मतलब पहले यहाँ पर यू आई ए आई एम आई में दोस्तों आपको यहाँ पर हिडन ऐप का फीचर मिल जाता था दोस्तों, जो कि यहाँ पर सिक्योरिटी में आपको देखने को मिल जाता था। आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैं सिक्योरिटी ओपन करता हूँ तो यहाँ पर ऐप लॉक वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको हाइड का ऑप्शन देखने को मिल जाता था दोस्तों। यहाँ पर ऐप लॉक के साइड में यहाँ पर हाइड ऐप यहाँ पर लिखा होता था दोस्तों, जहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ पर ऐप को हाइड कर लेते थे दोस्तों, लेकिन इस बार यहाँ पर इसमें हाइड ऐप का यहाँ पर ऑप्शन हटा चुका है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको उसे इनेबल करने के लिए आपको देखते रहना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको उसे यहाँ पर इनेबल करने के लिए आपको या तो यहाँ पर यूट्यूब पर बहुत से भाई लोग यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर सेटिंग में जाकर आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है हाइड ऐप, तो दोस्तों उससे भी यहाँ पर मतलब कुछ भी यहाँ पर आने वाला नहीं है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको हाइड ऐप सर्च करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो हाइड यहाँ पर मैंने सर्च किया है दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख सकते हो हाइड ऐप वाला कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आपको उसे यहाँ पर अपने ऐप को हाइड करने के लिए आपको उसे इनेबल करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा दोस्तों। तो आपको प्ले स्टोर पर जाके यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च करना है एक्टिविटी लॉन्चर और आपको इसे यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है दोस्तों। इंस्टॉल होने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है, ओपन होने के बाद यहाँ पर कुछ यहाँ पर लोडिंग लेगा दोस्तों, लेकिन इसके बाद आपको यहाँ पर एक सेटिंग ऑन करना है, जिसके बाद आपको हाइड वाला यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऑप्शन दोस्तों। तो यहाँ पर इसे यहाँ पर लोडिंग ले रहा है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से, तो यहाँ पर इसे हो जाने देते हैं यहाँ पर लोडिंग। तब तक आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हो आप दोस्तों, यहाँ पर 900 यहाँ पर हो चुका है यहाँ पर ये लोडिंग यहाँ पर, तो यहाँ पर लोडिंग चल रहा है और जैसे यहाँ पर लोडिंग चलता है तो यहाँ पर आपके पास एक यहाँ पर पूरे यहाँ पर ऐप यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से, तो आपको ऊपर ऊपर यहाँ पर एक्टिविटी लॉन्चर पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है हाइट, तो दोस्तों यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ हाइट। यहाँ पर आपको देख सकते हो दोस्तों, मैंने यहाँ पर हाइट सर्च कर दिया, जैसे हाइट सर्च करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो हाइट ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करते हो तो आपके पास बहुत सारे यहाँ पर ऐप आ जाते हैं दोस्तों, जिससे भी आप यहाँ पर हाइड करना चाहते हो उस पर आपको यहाँ से ऑन कर देना है दोस्तों। जैसे इसे ऑन करते हो तो यहाँ पर आपका ऐप हाइड हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पर हिडन फ्यूचर को यहाँ पर इनेबल कर सकते हो अपने यहाँ पर एम आई इसमें यहाँ पर वर्जन 13 में। तो आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम दोस्तों।